गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, दिल्ली फ्रेश मार्केट में आप सभी का स्वागत है। 22 तारीख दिन मंगलवार, केशवपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूँ केशवपुर टमाटर मंडी में। आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हो इस समय जो है नीचे क्रेटे कितना है और गाड़ियाँ कितना है। बाकी ये डिटेल आरती साहब से लेंगे। आज टोटल महाराष्ट्र और बेंगलोर का गाड़ी कितना है, और ये जो दोस्तों नीचे क्रेट देख रहे हो ये राजस्थान कोटपुतली का टमाटर है। और ग्राहक देख सकते हो इस समय जो है मंडी के अंदर ग्राहक किस प्रकार का है। दोस्तों अब धीरे धीरे कुछ जो है दोस्तों सुधार देखने को मिल रहा है टमाटर में। उससे पहले आप सभी को एक बार क्वालिटी दिखा दूं, किस तरह का क्वालिटी फ़िलहाल आ रहा है कोटपुतली से देखो जी। और दोस्तों बात करें भर्ती का, तो क्रेटों में भर्ती आता है जी 25 kg प्लस। आपको कम से कम 25 kg मिलेगा ही मंडी के अंदर, चाहे महाराष्ट्र का माल हो, चाहे बेंगलोर का माल हो, चाहे राजस्थान का माल हो। और दोस्तों एक बार जो है गाड़ी और फटका भी दृश्य दिखा दूं आप सभी को। अभी जो है फिलहाल गाड़ी पे कितना माल है, देखो जी। दोस्तों देख सकते हो आप अभी जो है फिलहाल गाड़ी पे कितना माल है। किसी गाड़ी पे 100 क्रेट, किसी पे 50 क्रेट, किसी पे 150-200, और कुछ गाड़ी जो है खाली है देखो जी। और दोस्तों ये जो सामने आप हाइब्रिड टमाटर देख रहे हैं ये नासिक गिन्नारा का टमाटर है। बाकी एक एक करके और भी टमाटरों का क्वालिटी आपको दिखाऊंगा। नमस्कार नमस्कार जी। सर जी आज का पोजीशन बताओ जी, पहले अराइवल का बताओ और बैलेंस का बताओ जी। अराइवल आज बहुत कम है मंडी में, कुल 11 गाड़ी मंडी में माल आया कुल, ठीक है। हाँ बड़ी गाड़ी आ रही मंडी में। अच्छा जी, और बैलेंस कितना है सर? बैलेंस का कुछ नहीं था बैलेंस। अच्छा जी, और ये कोटपुतली वाला? कोटपुतली आज होगा लगभग 2000 के आसपास। अच्छा जी, उसमें कुछ बैलेंस है जी कोटपुतली वाले में? नहीं नहीं कुछ नहीं बैलेंस है, कुछ कोई बैलेंस नहीं है। अच्छा जी, डेली क्लियर हो रहा है गाड़ी? हाँ डेली क्लियर हो रहा है, लेकिन मंदा था, लेकिन आज थोड़ा बाजार में सुर्खी है और ग्राहकी भी थोड़ा ठीक ठाक है आज। माल कम रहने की वजह से आज माल भी अच्छे भाव से बिके हैं आज। अच्छा जी, तो सर जी आज जो है बिक्री किस तरह का सवेरे से देखने को मिला है जी? सुबह से दुकानदारी आज अच्छी है और अच्छे भाव से बिके। रतलाम के सौदे बिके 300 रुपये, गिरनारा के सौदे बिके 350 से लेकर 400 के बीच में। हाइब्रिड टमाटर गिरनारा हाइब्रिड हाइब्रिड हाँ। अच्छा, और वहीं पीपल गाँव से जो और भी कई एरिया से आते हैं सर? पीपल गाँव बिके 320-330 रुपये। हाँ अच्छा जी, और महाराष्ट्र का औरंगाबाद का टमाटर सर? औरंगाबाद का टमाटर 450 रुपये। पहले से कितने रुपए तेज देखने को मिला जी? कल से आज 50 रुपए के लगभग तेजी है। कल से जो है 50 रुपए तेज देखने को तेजी। हाँ सर, आगे जो है और भी तेज होने का संभावना? बिल्कुल बिल्कुल, आगे तेज होने का संभावना है और तेज होगा माल। हाँ तो सर अब कंट्रोल में माल आएगा या फिर उसी तरह जो पहले? माल देखिए, माल तो कम है लेकिन अब माल का मार्केट बन जाएगा। मार्केट एक बार जैसे बाजारों में मार्केट बन गया, परचून में मार्केट बन जाने से अपने आप ग्राहक यहाँ माल लेंगे तो अपने आप मार्केट बन जाता है। अच्छा, अब माल अगर 2-3 गाड़ी फालतू भी आ गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाजार ठीक रहेगा अब। और सर जी बेंगलोर का एक आध गाड़ी आया जी? बेंगलोर की एक गाड़ी आई थी, वो बिका है 500 रुपये का। अच्छा जी, और ये शिवपुरी स्वयं माधेपुर? शिवपुरी का बिका है, तार बांस का टमाटर बिका है 500 रुपये, जमीन वाला 350 रुपये। और इसका बात करें वाले का तो? सवाई माधोपुर नहीं आया सर। और छत्तीसगढ़ से? छत्तीसगढ़ भी नहीं मंडी में आज। अच्छा छत्तीसगढ़ भी नहीं आया? छत्तीसगढ़ भी नहीं, सवाई माधोपुर भी नहीं है। और हिमाचल वाला जी? हिमाचल वाले तो सौदे बिके 600 रुपये का, अच्छे माल 600 रुपये अच्छे माल बिके हैं। 600 रुपये? हाँ, एक गाड़ी मोरनी से आई थी लगभग उसमें 250 का रेट था, वो बिके 600 रुपये आज। और सर जी वहीं बात करें अगर दूसरा टमाटर जो अपना देसी टमाटर आता है राजस्थान कोटपुतली का? हाँ हाँ हाँ। तो उसका क्या बाजार चला जी? कोटपुतली भी का सर 300 से लेकर 400 के बीच में आज, 400 रुपये। सर अभी जो शिकायत देखने को मिल रहा था जो ब्लाइट रोग का, जो चित्ते रोग का, जिसे उसमें चित्ते आ जा रहे थे टमाटर में? चित्ती का दाग सिर्फ रतलाम के टमाटर में है, रतलाम के टमाटर में है, अभी वो भी ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, लोग उसमें दवा ववा डाल रहे हैं, ठीक हो जाएगा। एरिया में ये झुलस रोग देखने को मिला या फिर इसी में? नहीं, रतलाम में ही है, बाकी इंदौर उंदौर के टमाटर साफ हैं, नहीं क्या नाम है आपका महाराष्ट्र के टमाटर साफ हैं, वहाँ कोई सब बीमारी नहीं है। अब जो है इंदौर का सीजन चलने वाला है और हिमसोना आने वाला है, अब 15 से 20 दिन के अंदर भी हिमसोना आ जाएगा, मुहूर्त हो चुका है हिमसोना का,
लेकिन थोड़ा थोड़ा आ रहा है। गाड़ी जो है पूरी गाड़ी 15 से 20 दिन के बाद पूरी गाड़ी बननी चालू हो जाएगी। अच्छा जी, तो क्या रेट मिल सकता है सर? रेट अच्छा रहेगा सर, हिमसोना का अच्छा रेट रहेगा, क्योंकि कोटपुतली का टमाटर खत्म होने के आसार पर है। 15 दिन में कोटपुतली का टमाटर खत्म हो जाएगा तो अपने आप से हिमसोना का रेट बढ़ जाएगा। और सर नया एरिया जो है और भी कोई स्टार्ट होगा या फिर सिर्फ हिमसोना हिमसोना ही चलेगा? नहीं, अभी कोई फिलहाल कोई नया एरिया नहीं चालू होने वाला है। अभी जो है चलने वाला है, सामने जो सीजन है मतलब कि इंदौर चल रहा है, जैसे अभी इंदौर का हाई बढ़ा रहा है, साहू भी जा रहा है, और हिमसोना जो है 15 दिन के बाद हिमसोना चालू हो जाएगा। तो सर अभी जिस तरह का स्थिति देखने को मिला है मार्केट में, जो डे बाय डे अब थोड़ा इंक्रीज होने लग गया है रेट, तो आगे कहाँ तक जाएगा सर और किस तरह का मंडियों में माल आएगा? देखिए आइडिया कम से कम भी 550 से 600 के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। और बाकी मार्केट का कोई पता नहीं है, कच्चा माल है, एक दिन में ही 100 रुपये 200 रुपये दे जाती है। और सर एक सवाल और पूछना चाहूँगा, जैसे कि कई कमेंट आते हैं जो पीछे मंडी कई एरिया का जो है डाउन है लेकिन इधर बाजार अप देखने को मिलता है, तो ये क्या कारण है? देखिए डाउन जो था कुछ दिन पहले था, अब बाजार सब जगह ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब ऐसे कि दिल्ली आते हैं माल, पंजाब आता है, जो जो एरिया में जब माल जा रहा है सब जगह एक जगह उठाव आने से सब जगह उठाव चालू हो जाता है। जब सब जगह माल अच्छे भाव से बिकेंगे तो पीछे जो लोडिंग होती है वहाँ पे अपने आप बाजार ठीक हो जाएगा, मार्केट ठीक हो जाएगा। जैसे कि महाराष्ट्र से भी कमेंट आ रहे थे कई सारे, जो हमारे यहाँ पे 150-200 कई एरिया में जो है बिक रहे हैं टमाटर, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे सर? उधर किस तरह कब आएगा उठाव? और बस अब मतलब कि आज से दिल्ली में उठाव चालू हो गया है, तो ऊपर वाला चाहता हूँ मतलब कि वहाँ भी उठाव चालू हो जाएगा। मतलब जहाँ पे सेल पॉइंट वाला जो है मंडी, हाँ सब चीज़ है, उधर अगर तेज हुआ तो लोडर मंडी में बिल्कुल पीछे अपने आप हो जाएगा। जहाँ मतलब माल सेल होता है वहाँ अगर अच्छे भाव से बिकना चालू हो गया तो पीछे अपने आप तेज हो जाएगा। आड़त नंबर 7 है हरि भाई नंदो कुमार एंड सन्स, दिल्ली केशवपुर मंडी। मोबाइल नंबर 9310661246। धन्यवाद सर। दोस्तों पिछले काफ़ी दिनों से जो है टमाटर का रेट दिल्ली मंडी के अंदर काफ़ी डाउन देखने को मिला था। कई कमेंट आ रहे थे जो टमाटर 50 रुपये क्रेट बिक रहा है, 60 रुपये क्रेट बिक रहा है लोडर मंडी में। अब जो है दोस्तों सेल मंडी जो है दिल्ली का, इसमें अब धीरे धीरे बढ़ोतरी आना स्टार्ट हो चुका है टमाटर के रेटों में। अब आगे उम्मीद है और भी रेट तेज़ी देखने को मिलेगा, और दोस्तों इस तरह का रेट होना चाहिए जो किसान भाइयों को नुकसान भी ना हो और हमारे खाने वाले भाइयों को भी महंगा ना लगे। इस तरह से सर्कुलेट घूमते रहना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमारे किसान भाइयों का पैसा बनना ज़रूरी है, क्योंकि उनका मेहनत सबसे आगे है। दोस्तों अगर आप सभी भाइयों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों किसी का कोई सवाल हो टमाटर से रिलेटेड तो इस वीडियो में पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में पूरा कोशिश करूँगा जवाब देने का। और दोस्तों जिस तरह से आप लोग वीडियो में प्यार दिखाते हैं उसी तरह से बनाए रखें, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी भाइयों का धन्यवाद।